आपके चैनल के माध्यम से मैं गाजीपुर से हमारे कुछ मित्र और कुछ जानने वाले हम चिट्ठी कल भेजे हैं और पत्र भेजा है, जबकि मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी गाजीपुर में जहां पर ऐसी घटना हो सकती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस जिलाधिकारी की बात कहे लोगों के सामने आई है, वो मेरे जनपद में रह चुके हैं और अजान पर कहीं पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। एक दिल्ली की घटना थी जिस पर भी उसका वीडियो वायरल हुआ तो वहां भी झूठा निकला है, और मुझे विश्वास है आपके चैनल के माध्यम से कि वहां के जो जिलाधिकारी हैं वो हमारे जनपद में रह चुके हैं, वो कभी इतनी तुच्छ और इतनी गंदी हरकत वो कभी नहीं करेंगे। बहुत ही सुलझे हुए वो अधिकारी हैं, जबकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखा हूँ और पत्र के माध्यम से मैंने अपर मुख्य सचिव को भी उनको पत्र लिखा हूँ और मैंने उनसे अनुरोध किया हूँ कि इसकी तत्काल इसकी जांच कराई जाए, और जिला अधिकारी के नीचे स्तर के अधिकारी हो सकते हैं कि उन्होंने इसी तुच्छ हरकत की हो जो अजान पर प्रतिबंध लगाया हो। अजान पर प्रतिबंध जिस दिन लग जाएगा उस दिन कोरोना को नहीं रोक पाएंगे, और जिस दिन अजान रुक जाएगी उस दिन कोरोना और तेजी से फैलेगा। लिहाजा मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अधिकारियों से और सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि घंटा और अजान को कतई उत्तर प्रदेश में न रोका जाए, जिससे कि ये कोरोना रोकने का काम करेगा न कि महामारी को फैलने का काम करेगा। अजान पर कतई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत